शिवपुरी की यातायात पुलिस ने 19 नवंबर 2022 से माननीय जबलपुर हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के निर्देश में बिना परमिट के ऑटो पर जब्त की कार्रवाई की है। वहीं दो दिन में यातायात पुलिस ने 16 ऑटो जब्त कर कोर्ट की कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 नवंबर 2022 से माननीय जबलपुर हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के निर्देश में बिना परमिट के ऑटो पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं 19 तारीख और 20 तारीख के दौरान 16 ऑटो को जब्त कर माननीय कोर्ट की कार्रवाई की गई है। इन सभी ऑटो की फाइल बनाकर कोर्ट में पेश की जाएगी, वहां से ऑटो पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। सर, आज जो टैक्सियों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, कैसी क्या और किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? ये माननीय हाईकोर्ट जबलपुर और पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी बिना परमिट अवैध संचालित ऑटो है उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान हमारा 19 तारीख से शुरू हुआ है, 19 और 20, आज 21 है, आज भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दो दिन में हमारे द्वारा 16 ऑटो जब्त किए गए हैं, जिसमें बिना परमिट की कार्रवाई इनको न्यायालय में भेजा जा रहा है प्रकरण बना के, और आगे कार्रवाई न्यायालय में होगी। इनकी किस प्रकार की कोई चालानी कार्रवाई या फिर कोई समझाइश भी छोड़ा जा रहा है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। जो बिना परमिट की उनको जब्त करके और न्यायालय प्रकरण भेज रहे हैं, वहां से इन पर चालानी कार्रवाई करके न्यायालय छोड़ेगा। लगभग कितने टैक्सियों को पकड़ लिया गया है अभी तक? 16 टैक्सी को जब्त करके न्यायालय कार्रवाई की गई है और आज भी कार्रवाई की जाएगी, निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी।